कुछ नहीं बचता है। आज के गरीब और मिडिल क्लास की असली कहानी है ये। अजीत जो एक छोटे कस्बे का एक साधारण नाई है, अपने छोटे से सैलून में दिन भर काम करता है। उसके ग्राहक जो कभी कभी राजनीति की चर्चा के साथ बाल कटवाने आते हैं, उसकी दुनिया में कुछ हलचल जरूर लाते हैं, लेकिन हकीकत में हर महीने के अंत में अजीत की जेबें खाली ही रहती है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस महंगाई के दौर में बढ़ते खर्चों और बचत के संघर्ष में फंसा अजीत मानता है कि कुछ नहीं बचता। और यह सिर्फ इसी की कहानी नहीं है, यह कहानी हर एक उस इंसान की है जो महंगाई के दौर में जी रहा है। देश के तमाम मिडिल क्लास की दर्द भरी कहानी है ये। अब जिंदगी के इस सफर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर महीने की मेहनत के बाद भी क्यों कुछ नहीं बचता। किराए, बिजली का बिल, घर के छोटे मोटे खर्चे, उसकी पूरी कमाई खर्च हो जाती है। ये सब बातें अजीत भी सोच ही रहा था कि अचानक उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसकी आंखें चौंक जाती है। ऐसा क्या देखा उसने, आइए आपको बताते हैं। उसके दुकान पर जहां राजनीतिक चर्चाएं होती थी, उसने पूरे जीवन में सोचा भी नहीं होगा कि अचानक से ही उसका हाल जानने के लिए राजनीति का जाना माना चेहरा यानी कि राहुल गांधी उसके दुकान पर आ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी कहानी क्या है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वे दिल्ली के एक सैलून पर पहुंचे। वे वहां शेविंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं। यह सैलून अजीत चलाते हैं। उन्होंने राहुल को बताया कि कैसे वे दिन भर काम करते हैं ताकि दिन के आखिर में कुछ पैसे बचा सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हाल ही में देश की बढ़ती महंगाई और आर्थिक चुनौतियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस बीच अजीत ने राहुल गांधी को अपने जीवन के संघर्षों को साझा किया। अजीत ने कहा, कांग्रेस के राज में हमें सुकून मिलता था, हमने सोचा था कि हमारा भविष्य बेहतर होगा, लेकिन हम यहीं के यहीं रह गए। ऐसा ही बीजेपी का भी हाल है। हम दिव्यांग हैं और हमारी जिंदगी ऐसे ही कट रही है। बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। आपके राज में हम बहुत खुश थे, कांग्रेस के राज में सुकून था। वही राहुल गांधी ने भी इस बातचीत के दौरान महंगाई के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में भी लिखा, बढ़ती महंगाई ने मेहनत कश के अरमान छीन लिए हैं। नाई से लेकर मोची, कुम्हार से लेकर बढ़ई, घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई ने हाथ से काम करने वालों से उनकी दुकान, मकान और स्वाभिमान तक के अरमान छीन लिए हैं। राहुल ने आगे कहा कि आज की आवश्यकता है ऐसे आधुनिक उपायों और नई योजनाओं की जो आमदनी में बढ़ोतरी और घरों में बचत वापस लाए। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में हुनर को हक मिलना चाहिए और मेहनत का हर कदम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने वाला होना चाहिए। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है और शायद हो भी ना, क्योंकि यह हालात सिर्फ एक इंसान के नहीं है बल्कि ऐसे बहुत से लोगों का है जो बढ़ती महंगाई से परेशान है। टीवी पर नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारे जैसे छोटे लोगों की जिंदगी में बदलाव नहीं आता। हम अपनी रोज की कमाई में एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते हैं, लेकिन हर महीने वही कुछ नहीं बचता। इस सच्चाई से सामना करना पड़ता है। कई बार सरकारी योजनाओं के बारे में हम सुनते हैं कि आर्थिक सहायता, सब्सिडी, छोटे व्यवसायियों के लिए लोन, लेकिन जब हम इन योजनाओं का लाभ लेने की कोशिश करते हैं तो या तो कागजी कार्रवाई के अड़चनों में उलझ जाते हैं या फिर उससे पहले से तय लोग ही इसका लाभ ले जाते हैं। यह राजनीति की उस कड़वी सच्चाई को दर्शाता है जहां योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंच पाती। और कब तक ऐसा ही चलता रहेगा इसका भी किसी को कोई अंदाजा नहीं है। ना जाने हम कब तक ऐसे ही इस महंगाई से परेशान होते रहेंगे। सरकार चाहे जो भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, लेकिन हालात ऐसे के ऐसे ही है। बदलने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा है, लेकिन कब तक, सबसे बड़ा सवाल यही है। आपको कैसे लगी हमारी ये जानकारी हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़। धन्यवाद।